होगी। समय पहले गुजरात एटीएस के पास एक इनपुट आया हुआ था कि जो इरिन पटेल मर्डर केस है उसमें अक्यूज नंबर 4 मोहम्मद इरफान एसपी जो वॉन्टेड है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर और बदल कर उज्जैन छोड़कर अभी वो इंदौर के बिजराड़ा विस्तार में रह रहा है। इस इनपुट को गुजरात एटीएस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ शेयर करने पर गुजरात एटीएस से ये इनपुट फर्दर डेवलपमेंट के लिए एमपी एटीएस के साथ शेयर किया गया था। एमपी एटीएस की इंदौर यूनिट ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर इस इनपुट को क्रेडिबल इंटेलिजेंस पर कन्वर्ट करते हुए ये कंफर्म किया कि जो इरफान बिस्ती हिरेन पटेल मर्डर केस में वॉन्टेड है वही शख्स अभी इंदौर के बिजराड़ा एरिया में मोहम्मद इरफान अब्बासी सन ऑफ याकूब अब्बासी की आइडेंटिटी लेकर वहाँ रह रहा। कंफर्मेशन मिलने पर गुजरात एटीएस के पीआईसी बीएन वाघेला एंड पीएसआई वाईजी गुर्जर को एटीएस की टीम के साथ एमपी एटीएस की इंदौर यूनिट में भेजा गया। एमपी एटीएस की इंदौर यूनिट की मदद से ये जो अक्यूज है उसको बिजराड़ा से पूछताछ के लिए पिक कर जहाँ लाया था उनकी थरो इंट्रोगेशन के दौरान उन्होंने ये कन्फाइज किया कि वही जो अक्यूज वांटेड है इरफान बिश्ती वो खुद है और कैसे उन्होंने पूरा ये कॉन्स्पिरसी प्री प्लांट वे में जो इंसिडेंट का डेट एंड टाइम था उस पर उन्होंने कैसे इसको प्री प्लांट वे में एग्जीक्यूट किया था।